हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल टॉकिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूं। ये टॉपिक होगा शैडो के ऊपर। तो चलिए जानते हैं शैडो यानी परछाई के बारे में। आप ये तो जानते होंगे कि छाया कैसे बनती है और कब बनती है। छाया सिर्फ वह हिस्सा है जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है। जब आप धूप में खड़े होते हैं तो आप अपनी छाया को अपने पीछे देख पाते हैं। आप उस छाया को कैसे देखते हैं? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर अपारदर्शी होता है और प्रकाश को इससे गुजरने की अनुमति नहीं देता है। इस प्रकार हमारे पीछे छाया का निर्माण होता है। इस तरह सूर्य के प्रकाश से पैदा हुई परछाई सूर्य के पूर्व से पश्चिम तक चलने पर सभी की परछाई पश्चिम से पूर्व की ओर खिसकती है। कहते हैं कि जिंदगी में परछाई कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती है, मगर मरने के बाद ही इंसान का साथ छोड़ती है। लेकिन एस्ट्रोनॉमर की माने तो साल में 2 दिन ऐसे भी आते हैं जब परछाई साथ छोड़ देती है। यह आवश्यक नहीं है कि छाया का आकार वस्तु के आकार के समान होगा। छाया का आकार उस पर पड़ने वाली प्रकाश की दिशा पर निर्भर करता है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपने ना कहीं सुनी होगी और ना कहीं पढ़ी होगी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। परछाई क्या है, कैसे और कब बनती है, ये तो सबको पता है। लेकिन परछाई वास्तव में क्या है, क्यों बनती है, क्या इसका बनना ज़रूरी है, या फिर परछाई बनने के पीछे कुदरत का कोई हिडन फैक्ट है? जी हाँ, ये सब नेचर का करिश्मा ही है जो ये हर वस्तु के पीछे छाया का निर्माण कर देता है। छाया हमें बिना लाइट के दिख ही नहीं सकती। बिना लाइट के ये ब्रह्मांड बिल्कुल डार्क है। रियलिटी ये है कि लाइट के बनने के बाद ही परछाई का निर्माण हुआ। अब ये समझिए कि यूनिवर्स डार्क है, तो रियलिटी ये हुई कि यूनिवर्स का डार्क होना ही रियल है। अगर लाइट ना होती तो हमें कुछ नहीं दिखता, सिर्फ डार्क होगा, यानी एब्सेंस ऑफ कलर्स। अब आपको पता है कि परछाई कैसे और कब बनती है। परछाई तब बनती है जब कोई वस्तु प्रकाश के सामने आती है, यानी कि कोई वस्तु लाइट को बाधित कर रही है वस्तु के दूसरी तरफ पहुंचने में। और आप ये भी जान गए हैं कि यूनिवर्स रियल में डार्क है, तो वस्तु के पीछे बिना लाइट के इधर उधर हर जगह डार्क होगा, यानी नेचर हमें एब्सेंस ऑफ कलर्स में डार्क दिखाता है। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। परछाई यानी वो डार्क पार्ट वास्तव में पहले से मौजूद है और हमें लाइट सिर्फ मौजूद वस्तु का आकार दिखाती है वस्तु के पीछे। रोशनी वस्तु के पीछे नहीं पहुंच रही है, वहां तो वास्तव में डार्क पहले से मौजूद है, जबकि वस्तु के आकार के मुताबिक उस डार्क पार्ट यानी परछाई के इर्द गिर्द तो लाइट और रियल में कलर्स पहुँच रहे हैं और वहाँ का डार्क ख़त्म हो गया है। वो तो वास्तव में पहले जैसा ही रहेगा डार्क, और हमें मिल गई परछाई, वो भी वस्तु के आकार के मुताबिक। और दूसरी बात, परछाई आपके साथ साथ नहीं चलती, बल्कि वो तो वास्तव में पहले से मौजूद है। ये तो हमें सिर्फ एब्सेंस ऑफ कलर्स और लाइट के परछाई तक ना पहुंचने की वजह से मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप मूव करेंगे और चलेंगे, परछाई हर वक्त मिलेगी। ये आपके साथ साथ नए तरीके से और वस्तु और आपके साथ आकार के साथ बदलती रहेगी। तो आपने सीखा कि परछाई और छाया क्या है और क्यों बनती है। तो आपको ये भी सीखने को मिला कि परछाई हमेशा काली ही क्यों होती है। मुझे लगता है कि परछाई से संबंधित आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछें, मैं आपको आपके सवालों का जवाब तुरंत दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक यू।